वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान का। देखिए एवोल्यूशन दिया गया है, हम इस वीडियो में 5 एवोल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला एवोल्यूशन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वो है किशोर अवस्था, दूसरा है कोशिका के अंग तंत्र तक, तीसरा है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन, चौथा है प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र और लास्ट है स्थिर विद्युत। इस वीडियो में हम यही 5 एवोल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एवोल्यूशन नहीं सॉल्व किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर ट्रेनिंग के नाम से है, वहां जा करके आप चेक कर लीजिए। अगर आपको आने वाले असेसमेंट सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किशोर अवस्था, इस वीडियो में सबसे पहला एवोल्यूशन यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है जीवन का सबसे कठिन काल है, ऑप्शन से इसके शेष अवस्था, दूसरा है बाल अवस्था, तीसरा है गर्भावस्था और लास्ट है किशोर अवस्था। तो इसका जो आंसर सही है वो है किशोर अवस्था। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ऑप्शन से इसके किशोर अवस्था, दूसरा है वयस्क अवस्था, तीसरा है बाल अवस्था और लास्ट है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो आंसर सही है वो है किशोर अवस्था। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किशोर अवस्था की विशेषता है, ऑप्शन से इसके आत्मनिर्भर होना, दूसरा है मित्र मंडली या समूह का निर्माण, तीसरा है स्वतंत्र होना और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है उपयुक्त सभी। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किशोरों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए हार्मोन उत्तरदायी हैं, ऑप्शन दिए गए हैं इसके प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है एस्ट्रोजन और लास्ट है प्रोलैक्टिन। तो इसका जो आंसर सही है वो है टेस्टोस्टेरोन। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किशोर अवस्था संघर्ष व तूफान का काल कहा है, ऑप्शन से इसके जीन प्याजे ने, दूसरा है स्टैनले हॉल ने, तीसरा है पावलाव ने और लास्ट है स्किनर ने। तो इसका जो आंसर सही है वो है स्टैनले हॉल ने। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माता पिता से वंश जो स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, ऑप्शन से इसके पर्यावरण, दूसरा है जीन, तीसरा है आनुवंशिकता और लास्ट है होम्योस्टेसिस। तो इसका जो आंसर सही है वो है आनुवंशिकता। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वो विकास की कौन सी अवस्था है, ऑप्शन से इसके किशोर अवस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल अवस्था, तीसरा है युवा अवस्था और लास्ट है बाल अवस्था। तो इसका जो आंसर सही है वो है किशोर अवस्था। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किशोर अवस्था का काल है, ऑप्शन से इसके 12 से 18 वर्ष, दूसरा 6 से 12 वर्ष, तीसरा है 18 से 24 वर्ष और लास्ट है 0 से 6 वर्ष। तो इसका जो आंसर सही है वो है 12 से 18 वर्ष। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, ऑप्शन से इसके परिवार से, दूसरा है विद्यालय से, तीसरा है साथियों से और लास्ट है इन सभी से। तो इसका जो आंसर सही है वो है इन सभी से। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कल्पना जगत में विचरण होता है, ऑप्शन से इसके शैशवावस्था से, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, लास्ट है प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो आंसर सही है वो है किशोर अवस्था में। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए स्कोर 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं जिसका नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, ऑप्शन से इसके सेंट्रोसोम में, दूसरा है लवक, तीसरा है रिक्तिका और लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो आंसर सही है वो है लवक। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्वतरित होता है,
ऑप्शन से इसके पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पीनियल ग्रंथि और लास्ट है अग्नाशय। तो इसका जो आंसर सही है वो है थायराइड ग्रंथि। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपातकालीन ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? ऑप्शन से इसके पीनियल ग्रंथि, दूसरा है अधिवृक्क ग्रंथि, तीसरा है थाइमस ग्रंथि और लास्ट है पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो आंसर सही है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तंत्रिका ऊतक का प्रकार है? ऑप्शन से इसके मस्तिष्क, दूसरा है रीढ़ रज्जू, तीसरा है तंत्रिकाएं और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही है वो है उपरोक्त सभी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन से इसके केंद्रक, दूसरा है हरित लवक, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट है गालिस्कॉय। तो इसका जो आंसर सही है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तरल अवस्था में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? ऑप्शन से इसके अंतरालीय ऊतक, दूसरा है अस्थि, तीसरा है उपास्थि और लास्ट है रुधिर। तो इसका जो आंसर सही है वो है रुधिर। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? ऑप्शन से इसके माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गालिस्कॉय, तीसरा है केंद्रक और लास्ट है हरित लवक। तो इसका जो आंसर सही है वो है गालिस्कॉय। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका की आत्मघाती तैली किसे कहते हैं? ऑप्शन से इसके गालिस्कॉय, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है लाइसोसोम और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है लाइसोसोम। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का प्रबंधक किसे कहते हैं? ऑप्शन से इसके हरित लवक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है गालिस्कॉय और लास्ट है केंद्रक। तो इसका जो आंसर सही है वो है केंद्रक। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? ऑप्शन से ऑक्सीजन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है एबिसिक एसिड और लास्ट है एथिलीन। तो इसका जो आंसर सही है वो है एथिलीन। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट एवोल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में हृदय प्रति मिनट धड़कता है? ऑप्शन से इसके 30 से 40 बार, दूसरा है 10 से 20 बार, तीसरा है 40 से 50 बार और लास्ट है 60 से 72 बार। तो इसका जो आंसर सही है वो है 60 से 72 बार। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में भोज पदार्थों का परिवहन होता है? ऑप्शन से इसके जाइलम द्वारा, दूसरा है फ्लोएम द्वारा, तीसरा है सरीव कोशिकाओं द्वारा और लास्ट है चाली नलिकाओं द्वारा। तो इसका जो आंसर सही है वो है फ्लोएम द्वारा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल व खनिज तत्वों का परिवहन होता है? ऑप्शन से इसके जाइलम द्वारा, दूसरा है फ्लोएम द्वारा, तीसरा है सरीव कोशिकाओं द्वारा और लास्ट है चलनी नलिकाओं द्वारा। तो इसका जो आंसर सही है वो है जाइलम द्वारा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है? ऑप्शन से इसके प्लेटलेट्स द्वारा, दूसरा है कॉपर द्वारा, तीसरा है हेमोग्लोबिन द्वारा और लास्ट है वायु द्वारा। तो इसका जो आंसर सही है वो है हेमोग्लोबिन द्वारा। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शरीर में प्रति रक्षा तंत्र का निर्माण होता है? ऑप्शन से इसके लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा, दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा, तीसरा है प्लेटलेट्स द्वारा और लास्ट है थ्रोबिन द्वारा। तो इसका जो आंसर सही है वो है श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है? ऑप्शन से इसके आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है तांबा और लास्ट है निकेल। तो इसका जो आंसर सही है वो है आयरन। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन से इसके धमनियों द्वारा, दूसरा है शिराओं द्वारा, तीसरा है शिरकाओं द्वारा और लास्ट है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है धमनियों द्वारा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? ऑप्शन से इसके धमनियों में, दूसरा है शिराओं में, तीसरा है महाशिरा में और लास्ट है शिरकाओं में। तो इसका जो आंसर सही है वो है धमनियों में। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में वायु का संवहन होता है। ऑप्शन से इसके जाइलम द्वारा, दूसरा है वाहिकाओं द्वारा, तीसरा है स्टोमेटा द्वारा और लास्ट है फ्लोएम द्वारा। तो इसका जो आंसर सही है वो है स्टोमेटा द्वारा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टेथोस्कोप नामक यंत्र के खोजकर्ता थे। ऑप्शन से इसके लैमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है हासिंथेलाइनस और लास्ट है रॉबर्ट हुक। तो इसका जो आंसर सही है वो है हासिंथेलाइनस। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट एवोल्यूशन सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हैं। ऑप्शन से इसके 1, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और लास्ट है 4। तो इसका जो आंसर सही है वो है 2। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से इसके गोलाकार लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है गोलाकार लेंस और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो बार यहाँ पर गोलाकार लेंस आ गया है, फिर भी ये दोनों सही नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है जिसका नाम है अवतल लेंस। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से इसके उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है गोलाकार लेंस और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है अवतल लेंस। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आँख के भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन से इसके कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है पुतली और लास्ट है आयरिस। तो इसका जो आंसर सही है वो है रेटिना। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ऑप्शन से इसके आयरिस, दूसरा है रेटिना, तीसरा है पुतली और लास्ट है कॉर्निया। तो इसका जो आंसर सही है वो है आयरिस। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंख का द्वारक कहते हैं। ऑप्शन से इसके पुतली, दूसरा है आयरिस, तीसरा है कॉर्निया और लास्ट है रेटिना। तो इसका जो आंसर सही है वो है कॉर्निया। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रकाशिक यंत्र नहीं है। ऑप्शन से मानव नेत्र, दूसरा है दूरदर्शी, तीसरा है सूक्ष्मदर्शी और लास्ट है पनडुब्बी। तो इसका जो आंसर सही है वो है मानव नेत्र। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो। ऑप्शन से इसके अभिलंब से दूर हटती है, दूसरा है अभिलंब की ओर झुकती है, तीसरा है वापस लौट आती है और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है अभिलंब से दूर हटती है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी माध्यम में प्रकाश का गमन होता है। तो इसका जो आंसर सही है वो है सरल रेखीय। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश है। ऑप्शन से इसके ऊर्जा, दूसरा है कार्य, तीसरा है विद्युत धारा और लास्ट है घर्षण। तो इसका जो आंसर सही है वो है ऊर्जा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट एवोल्यूशन सॉल्व करते हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, आकाश में बिजली चमकने का कारण है। ऑप्शन से इसके बादलों का आपस में घर्षण करने पर उत्पन्न आवेश, दूसरा है बादलों के मध्य उत्पन्न विद्युत धारा, तीसरा है बादलों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभांतर और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है बादलों का आपस में घर्षण करने पर उत्पन्न आवेश। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उसमें से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस वस्तु का आवेश होगा। ऑप्शन से धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश, तीसरा है उदासीन और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है धन आवेश। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंघी को सूखे बालों से रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं। ऑप्शन से आवेश के कारण, दूसरा है विभांतर के कारण, तीसरा है विद्युत धारा के कारण और लास्ट है प्रतिरोध के कारण। तो इसका जो आंसर सही है वो है आवेश के कारण। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तड़ित चालक बना होता है, ऑप्शन है तांबे का, दूसरा है लोहे का, तीसरा है पीतल का और लास्ट है सिल्वर का। तो इसका जो आंसर सही है वो है तांबे का। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुचालक वस्तु निम्न में से है, ऑप्शन से एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा और लास्ट है रबड़। तो इसका जो आंसर सही है वो है रबड़। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुचालक वस्तु निम्न में से है, ऑप्शन से रबड़, दूसरा है कांच, तीसरा है तांबा और लास्ट है प्लास्टिक। तो इसका जो आंसर सही है वो है तांबा। हम इस पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन्वर्टर का कार्य है, ऑप्शन से इसके एसी को डीसी में परिवर्तित करना, दूसरा है पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, तीसरा है डीसी को एसी में परिवर्तित करना और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है डीसी को एसी में परिवर्तित करना। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में लगाया जाता है, ऑप्शन से तड़ित चालक, दूसरा है तार, तीसरा है रोड और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है तड़ित चालक। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवेशित वस्तु में आकर्षण होता है, ऑप्शन से एक वस्तु के धनात्मक व दूसरी वस्तु के ऋण आत्मक होने पर, दूसरा है दोनों वस्तु के धनात्मक होने पर, तीसरा है दोनों वस्तु के ऋण आत्मक होने पर और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही है वो है एक वस्तु के धनात्मक व दूसरी वस्तु के ऋण आत्मक होने पर। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन से एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन और लास्ट है चार। तो इसका जो आंसर सही है वो है दो। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।